याज तूफान की बारिश से तैरने लगा दरभंगा का अस्पताल, वार्डों में घुसा पानी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल इन दिनों अक्सर चर्चा में रह रहा है। हाल के दिनों में DMCH में कोरोना मरीजों के इलाज, कैंपस में फैली गंदगी और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इन सवालों पर सरकार और प्रशासन तमाम दावे भी करता रहा है, लेकिन अव्यवस्थाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ताज़ा मामला याज तूफान की वजह से दरभंगा समेत बिहार के विभिन्न जिलों में हो रही बारिश का है। चक्रवाती तूफान के कारण हुई मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर DMCH की बदहाली को सामने लाकर रख दिया है। 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण DMCH परिसर में जगह जगह जल जमाव हो गया है। यहां तक कि वार्डों में भी पानी घुस गया है, जिसके कारण मरीजों और उनके परिजनों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज 18 के पास मौजूद वीडियो में आप देख सकते हैं कि DMCH परिसर में जहां घुटने भर तक पानी जमा है, वहीं वार्डों में भी जल जमाव से मरीज परेशान हो रहे हैं। बीती रात से लगातार हो रही बारिश ने इस अस्पताल के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं वाले दावों की पोल खोल कर रख दी है। परवरिश योजना का उठाएं लाभ। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हर जिले में COVID-19 से माता या पिता अथवा दोनों की मृत्यु होने पर उन पर आश्रित बच्चों 18 वर्ष से कम की सूची राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बाल स्वराज पोर्टल पर अपलोड की जानी है। इसका उद्देश्य COVID-19 महामारी में माता या पिता या दोनों की मृत्यु की स्थिति में बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करना है। इन बच्चों को परवरिश योजना एवं स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ा जा सकता है। समाज कल्याण विभाग की जिला बाल संरक्षण इकाई के तहत संचालित परवरिश योजना में 3 श्रेणियों के बच्चों को ₹1,000 प्रति माह 18 वर्ष की उम्र तक दिया जाता है। इसमें माता एवं पिता दोनों की मृत्यु होने पर अनाथ बच्चों को, कुष्ठ पीड़ित बच्चों या कुष्ठ पीड़ित माता या पिता के बच्चों को एवं HIV/AIDS पीड़ित बच्चों या HIV/AIDS पीड़ित माता पिता के बच्चों को दिया जाता है। इसी प्रकार स्पॉन्सरशिप योजना के तहत निम्न श्रेणी के बच्चों को लाभ दिया जाता है। इसमें विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिला के बच्चों को, गंभीर बीमारी के कारण पालन पोषण में असमर्थ माता या पिता के बच्चों को एवं जेल जाने वाले माता या पिता के बच्चों को इसका लाभ दिया जाता है। COVID-19 से मृत माता या पिता या दोनों अभिभावक की स्थिति की जानकारी जिला बाल संरक्षण इकाई के मोबाइल नंबर 7,76,15,778 / 8,87,34,64,240 बाल कल्याण समिति के मोबाइल नंबर 9,09,79,59,410 एवं 9,43,14,98,549 तथा चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर दी जा सकती है। बच्चों के बेसहारा तथा आश्रय विहीन होने की स्थिति पर उन्हें बाल संरक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान या बाल गृह में रखने की व्यवस्था की जा सकती है। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग द्वारा BPL परिवार के व्यक्ति की COVID-19 मृत्यु की स्थिति में कबीर अंत्येष्टि का लाभ दिया जाएगा। COVID-19 से मृत व्यक्ति की विधवा पत्नी को अर्हता के अनुसार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन अथवा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। दरभंगा में कोरोना से 2 की मौत, 51 नए मरीज मिले। कोरोना के कहर में शनिवार को कमी आई। पिछले कई दिनों से कोरोना के रौद्र रूप के कारण दर्जनों मरीजों की जान जा चुकी है। शनिवार को DMCH में कोरोना के 2 मरीजों की मौत हो गई। दोनों सुपौल जिले के बताए जाते हैं। शहर के निजी अस्पतालों में मौत की सूचना नहीं है। वहीं जिले में कोरोना की रफ्तार भी सुस्त पड़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 51 नए मरीजों की पहचान की गई। इनमें से विभिन्न प्रखंडों में रैपिड एंटीजन किट से हुई जांच में 12 मरीजों की पहचान की गई। DMCH में RT-PCR और रैपिड टेस्ट में 9 नए मरीज सामने आए। DMCH के डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में कोरोना से संक्रमित 92 मरीजों का इलाज चल रहा है। दूसरी ओर कोविड अस्पताल की ओर जाने वाली सड़क पर कीचड़ से वहां तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ते का इंतजाम किया जा रहा है। जिला स्कूल की ओर से वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते को दुरुस्त किया जा रहा है। रास्ते के दुरुस्त हो जाने के बाद कोरोना वार्ड तक पहुंचने में सहूलियत होगी। दरभंगा में आकाशीय बिजली गिरने से ताड़ के पेड़ में लगी आग। चक्रवाती तूफान याज की वजह से लगातार हो रही बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की कई घटनाएं घटी है। शनिवार को दरभंगा में भी अचानक बिजली चमकने के साथ गड़गड़ाहट की आवाज तेज हो गई। देखते ही देखते आकाशीय बिजली ताड़ के पेड़ पर गिरी और उसमें आग लग गई। इसे देख आसपास के लोग वहां से भाग खड़े हुए।
दरभंगा में 18 प्लस का टीकाकरण ठप। वैक्सीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण जिले में 18 प्लस के टीकाकरण पर ब्रेक लग गया है। वहीं खराब मौसम और जल जमाव के चलते कम संख्या में लोगों के केंद्र तक पहुंचने से 45 प्लस के टीकाकरण की रफ्तार भी पिछले दो दिनों के दौरान सुस्त रही। शनिवार को विभिन्न प्रखंडों में 45 प्लस के 910 लाभुकों को कोरोना का टीका दिया गया। जिले में 45 प्लस के लाभुकों के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। कोरोना की चपेट में आने से बचने के लिए प्राथमिकता से वैक्सीन लेना जरूरी है। इधर 18 प्लस के लिए वैक्सीन का स्टॉक समाप्त हो जाने से युवा वर्ग में निराशा देखी जा रही है। पिछले दो दिनों से 45 प्लस के लिए वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक है। गौड़ा बोराम में वैक्सीन की कुछ डोज बची थी। इससे शनिवार को 18 प्लस के 40 लाभुकों को कोरोना का टीका दिया गया। डीएमसी एटवा अर्बन सहित जिले के अन्य प्रखंडों में 18 प्लस को टीका नहीं दिया जा सका। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि 45 प्लस के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। नियमित रूप से इस वर्ग का टीकाकरण चालू रहेगा। वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद 18 प्लस का टीकाकरण दोबारा शुरू किया जाएगा।